साइलाब कुंड क्षेत्र के दहीवा ग्राम में भातमारा परियोजना के तहत चल रहे कार्य को लेकर ठेकेदार ने लापरवाही करते हुए किसानों के अनार के बगीचों व खड़ी फसलों में जेसीबियां चलाकर भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। वहीं किसानों द्वारा विरोध करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों के साथ मारपीट व महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसको लेकर साइलाब कुंड क्षेत्र भर के दहीवा, आलवाड़ा, खेतलावास व सांगाना के किसानों ने एकत्र होकर साइला एसडीएम सीमा तिवारी को ज्ञापन सौंपा व ज्ञापन में बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार व किसानों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वहीं एनएच के ठेकेदार द्वारा सीमांकन कर ये कार्य किया जाए। सुखदेव सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, साइला। कल हमारे देवीवा में मतलब पुलिस प्रशासन एनएसआई वाले पुलिस प्रशासन लेके आए और किसानों के साथ में हाथापाई की है कल और जबरदस्ती की है, वो उसकी हम लोग किसान निंदा करते हैं और हमारी ड्रिप वगैरह लगी हुई थी उसको मतलब तोड़ डाला है और तोड़ा है, जबरदस्ती की है। हमने मतलब रिक्वेस्ट की, किसानों ने रिक्वेस्ट की भाई एक दो दिन का मौका दो हमें और हमारी सीमांकन करो, जो आप कितनी जमीन ले रहे हो उसको आप सीमांकन करेंगे तो हमको पता लगेगा कि भाई हमारी जमीन इतनी जा रही है जो हमें तो हमको पता लगेगा तो कर देंगे, नहीं तो फिर ये हमारी जमीन ज़्यादा भी लेंगे तो हमको क्या पता लगेगा। ठीक है, सरकार से हमारी यही मांग है। और जबरदस्ती पुलिस वाले ने अभद्र व्यवहार करके गाली गलौज किया, उसकी घोर निंदा करते हैं, पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसान पूरी ये निंदा कर रहे हैं, ये कार्रवाई नहीं हुई तो आगे से किसान भूख हड़ताल पे बैठेंगे। ठीक है, 5 तारीख तक देखते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, मतलब वीडियो हमारे पास, वीडियो में गाली गलौज कर रहा है उनकी माँ और जो पुलिस की माँ और हमारी माँ एक ही माँ बहन है भाई, हमारी माँ को गाली देते क्यों करते हैं ऐसा, उनके पास गाली देने का अधिकार नहीं है। किसानों ने बताया कि कल सुबह करीब 11 बजे के आसपास साइला प्रशासन अपने पुलिस प्रशासन के साथ में करीब 11 बजे दहीवा गांव के खेतों में पहुंचा और वहां खड़ी अनार की फसलें जेसीबी के साथ पहुंचे और तोड़ा तड़ अनार की जो पौधे थे वो पूरी पूरी तोड़ दिए गए। वहाँ बाजरी, ग्वार की जो फसलें थी और उपस्थित किसानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने किसानों के साथ में, कई किसान जो यहाँ बैठे हैं उनके साथ मारपीट की। किसानों को बहुत छोटे हैं, ये हमारे जो भाई दिख रहे हैं आपको, उनको छोटे आए। कई हमारी महिलाएं किसान थी, उन्होंने रोकने की समझा की तो उनके साथ में भी उनके पुलिस प्रशासन ने अभद्र व्यवहार किया। तो हमने मांग किया किसानों ने कि कम से कम आप जमीन एक्वायर करो, हम देने को तैयार है, लेकिन उसके पहले हमारे डीएलसी जो सरकार ने रेट तय की है वो मुआवजा तो हमें दिया जाए और आप कितनी जमीन एक्वायर कर रहे हो उसका पूरे पूरे एक बार सीमांकन आप मौके पर आकर करो ताकि हमारी दूसरी फसल जो है वो हम सेव करें। लेकिन कोई नोटिस भी किसानों को नहीं दिया, बिना जानकारी आकर पुलिस प्रशासन ने जो तानाशाही अपने ये किसानों के साथ में वो सरासर गलत है, उसका हम विरोध करते हैं और अपने किसानों के साथ में इस टाइप की जो घटना कर रहे हैं विरोध कर रहे हैं कि कम से कम किसानों की जानकारी में और इनको मौका देना चाहिए कि कम से कम मौके पर उन्होंने बुला रहे हैं, उनके पाइप ड्रिप लगी हुई है वो आकर जैसे पीछे तोड़ दी, वो किसानों को क्या नहीं देंगे।